दोस्तों आज के एपिसोड में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जिसके बारे में बात होनी चाहिए, और मैं पहले ही आपको सूचित कर दूं कि एक्चुअली मैं कुछ टेक्निकल एरर की वजह से आज मैं लाइव नहीं कर पा रहा हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश कांदू स्वागत करता हूं आपका आज के हमारे इस एपिसोड के रिव्यू में। सबसे पहले दोस्तों आज के एपिसोड के बारे में अगर हम बात करें तो मेरा सबसे पहला मुद्दा यही होगा कि जिस तरीके से अभिषेक को पोक किया गया वो एक मुद्दा था, इवन मुनव्वर वाला एक मुद्दा था। आयशा अभिषेक का क्या सीन चल रहा है और अंकिता क्यों इस चीज़ में बहुत ज़्यादा शेरनी बनने की कोशिश कर रही हैं, इन सभी चीज़ों पर मैं आप सभी से बात करना चाहता हूँ। तो समझेंगे सबसे पहले कि भाई देखो, अंकिता वाले मुद्दे पर बात करते हैं सबसे पहले। तो भाई इवन अंकिता को सोशल मीडिया पर और बाकी सब जगह पर लोगों ने एक टैग ऑलरेडी दे दिया है कि अंकिता जो है वो अभी भी सिर्फ और सिर्फ मुनव्वर के वकील बनने की ही कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है। अंकिता का खुद का कोई गेम नहीं है, अंकिता अभी भी सिर्फ और सिर्फ मुनव्वर के इर्द गिर्द मुन्ना 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 कहते हुए उन्हीं के इर्द गिर्द और उन्हीं के आसपास घूमते हुए दिखाई दे रही है, सिवाय इसके उनका और कोई गेम बिल्कुल भी नहीं है। और उसी के साथ अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो चिंटू और ईशा, ये दोनों को अगर कोई बुली कहे तो इसमें मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैं दोबारा से ये बात कह रहा हूँ कि नहीं होगी, क्योंकि भाई ये दोनों जिस तरीके से टारगेट करते हैं अभिषेक को, ये बहुत ज़्यादा गलत है और किसी भी हद तक सही नहीं है। क्योंकि अभिषेक हमेशा से अपनी डिग्निटी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये दो ऐसे लोग हैं जो कि भाई बार बार उनको टारगेट करने की कोशिश करते हैं, बार बार उनका पेशेंस टेस्ट करते हैं। अगर देखा जाए तो भाई ये दोनों लोग हमेशा से अभिषेक को टारगेट करते हुए दिखाई दिए हैं। आज के एपिसोड में भाई बंदा आपसे हाथ जोड़ के गड़गड़ा रहा है कि मुझे मत टोको, मुझे मत बोलो, लेकिन आप लोगों ने फिर भी उसको टारगेट किया है और नो स्टोन अनटर्न्ड छोड़ा है उसको टारगेट करने में। अगर देखा जाए तो ऐसी बहुत सारे सवाल हैं जो उठते हैं और ऐसे बहुत सारे सवाल या निशान हैं जो दागे जाने चाहिए ईश्वर समर्थ पे, खास करके वो वाला मुद्दा जहां पे ये कहा गया कि अपनी ट्रीटमेंट आधी छोड़ कर आया है। और इवन अभिषेक ने भी बातें गलत कही है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि अभिषेक ने सब चीज सही कहा है, लेकिन आप जब ये बात कह रहे हैं कि तेरे बाप को पता है कि तू अपनी मेंटल हेल्थ का जो ट्रीटमेंट था वो आधा छोड़ के आया है हरियाणा में और चंडीगढ़ में, इवन डॉक्टर का नाम बताया समर्थ ने जो कि म्यूट किया गया, ये किस हद तक सही था। सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये उठता है कि अगर ये सारी बातें हैं तो क्लियरली इसमें बिग बॉस को इंटरफेयर करना चाहिए था। क्लॉस्ट्रोफोबिक वाली जो बात थी उसको अंकिता ने क्लियर किया, अंकिता वाले मुद्दे पर भी आई जाते हैं। अंकिता कहती हैं कि मैंने जैसे कहा क्लॉस्ट्रोफोबिक ये शब्द उसने कैच किया और उसी चीज पर ही बात करना शुरू कर दिया। दोस्तों मैं बहुत पहले से चीज देखता और कहता भी हूं कि अंकिता वो है जो अगर देखती है ना कि भाई किसी का चूल्हा गर्म है तो वो सोचती है कि इस पे एक आध दो रोटी मैं भी सेक लूं, भाई मेरा भी तो पेट भरे, वो अंकिता है। अंकिता का गेम में बहुत सारे देख रहे हैं अंकिता को, लोग कहते हैं भाई बहुत ओरिजिनल है या अपना रियल सेल्फ दिखा रही हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। वो अंकिता ही हैं जो हर चीज़ में मज़े लेने की कोशिश करती हैं, फिर चाहे वो कंटेस्टेंट हो सामने या वो मेंटल हेल्थ से जूझ रहा हो या किसी भी चीज़ पे। आयशा को अंकिता ने इसलिए सपोर्ट किया क्योंकि उससे उनको फुटेज मिलेगी। और मुनव्वर वाली बात अगर आप देखेंगे तो भाई मुनव्वर कहीं ना कहीं मुझे आज के एपिसोड में थोड़ा सा डरपोक भी नजर आए। वो चाहते तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकते थे अभिषेक का, लेकिन थोड़े से बैक सीट पे दिखाई दी, लेकिन बाद में आकर उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि अपनी लड़ाई तो खुद लड़े, मैं इसलिए पीछे रुका था, अगर दो तीन लोग आकर तेरे साथ लड़ेंगे तो मैं बीच में आऊँगा, अब चाहे वो मेरा दुश्मन भी होगा तो मैं उसके बीच में भी बोलूँगा। और इवन आयशा ने भी यही चीज़ बोली। अगर देखा जाए तो मुनव्वर को भाई जब से वीकेंड की बार पे सलमान खान ने थोड़ी सी छूट दी है तो थोड़े से पर तो बाहर आ गए हैं, और ठीक है कोई बात नहीं इसमें, और लाजमी भी है पर आना, लेकिन अभिषेक का इस तरीके से बार बार टारगेट होना और गलत दिखाना ये थोड़ा सा संदेहजनक है, थोड़ा सा तकलीफजनक है। लेकिन आज का एपिसोड आप सभी ने देखा है, तो आज के एपिसोड पर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है इस बारे में ज़रूर बताइएगा दोस्तों हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।